Sony LIV. We live to entertain. Download the app. Nice tattoo. What? Tattoo? Oh! क्या बात है डैड मतलब आप तो एकदम कूल बन गए सीडी सीडी कूल डैड यू गॉट मी हां यू गॉट मी बस ये बटरफ्लाई क्यों बनाया आपने क्यों भाई अच्छा नहीं है मुझे तो यार यही वाला बेस्ट लगा अच्छा है ना हां अच्छा है नाउ यू नो वी हैव अ कॉमन सीक्रेट यस क्या पेन हुआ होगा ना माचो मैन माचो रॉकी हाँ जा जरा देख टांकी भर गई है क्या अगर भर गई होगी तो मोटर बंद कर देना जा भी जा ओ सुनो जी आपकी जीत भाई साहब से बात हुई है क्या ना जी क्यों पक्का क्यों बात करूं जी मेरी बीवी के साथ जो लोग भला बुरा बात करते हैं मैं उनसे बात नहीं करूंगा बस आप पूछ कर रहे हो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आपसे कहना चाह रही थी कि अगर उनसे बात नहीं हुई हो तो कर लीजिए एक बार और उनसे कह दीजिए कि रावी को कह दें कि उस लड़के से ना थोड़ा बचकर रहे देखो जी मुझे तो बात नहीं करनी आपको इतनी पड़ी है तो आप अपनी बहन से बात कर लो आपको पता है ना मैं उससे बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरी उसके साथ लड़ाई चल रही है और अगर आपसे कुछ करने को कहूंगी ना आप कभी नहीं करेंगे ये आपकी आदत है चलिए छोड़िए आपसे बेकार में बहस करके ना मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती चलिए डॉक्टर के पास जाना है हाँ, आप लोग डॉक्टर के पास जा रहे हो हाँ जा रहे हैं इनका रूटीन चेकअप कराना है ना इन्हें अपनी सेहत की तो कोई फिक्र होती नहीं है सब कुछ मेरे ऊपर ही होता है मैं कौन सा मना कर रहा हूँ जी मैं चल रहा हूँ ना साथ में हाँ जाइए जाइए अच्छी बात है जाइए बस सलमान खान मत बन जाना मतलब मतलब आप अपनी बॉडी बॉडी जरा दिखाइएगा नहीं हाँ दीदी कोई क्या बकवास कर रहा है कुछ नहीं मैं बस ये कह रहा हूँ कि कहीं जोश में आके डैड शर्ट उतार ना दे चुप कर डोंट वरी पुत्र डोंट वरी चलो जी चले वैसे रास्ते में मुझे 2 मिनट के लिए इंश्योरेंस वाले के साथ काम है प्रॉब्लम तो नहीं ना हाँ चलिए इसलिए कहती हूँ बेकार में टीवी मत देखते चलो जी बस 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 रावी आई एम सॉरी रावी मैं मानता हूँ मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था देख रावी जाने के बाद मैंने रियलाइज किया अगर तुझे सच में इतना सोच समझ के बदला लिया होता तो तू कभी भी कन्फेस नहीं करती एंड जिस हिम्मत से तूने कन्फेशन किया ये पता चलता है काफी बोली है आई एम सॉरी देख तूने गलती की मैंने गलती की साफ बराबर ना ले रावी कान पकड़ के सॉरी देख उठक बैठक भी कर रहा हूँ अब तक सॉरी इट्स ओके ऐसे नहीं माइल करके okay. ये हुई ना बात तो अब नई शुरुआत फ्रेंड्स ये भी मैंने जानबूझ के मारा तो नहीं था ना बट इसके लिए भी सॉरी okay. अच्छा सुनो मैंने सोचा कि पापा को कहकर ना तुम्हें कुछ पैसे दिलवा दूंगी और जब तुम्हें तुम्हारे मिल जाए तो तुम पापा को रिटर्न कर देना अच्छा देख लो अच्छे फ्रेंड्स वादों से मुकरते नहीं है ओहो सच अ स्वीट गर्ल
लड़ाई करती है तो अपने माँ बाप के पीछे? यही गुल खिला रही है? यही सिखाया तुझे मेरी बहन ने? हाँ आंटी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। एक थप्पड़ मारूंगी, ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अभी तक तो मैंने रिएक्ट भी नहीं किया है, वरना तेरे जैसे लड़कों को हैंडल करना मुझे अच्छी तरह से आता है। मासी, चुप कर तू। माँ बाप का नाम इस तरह रोशन कर रही है तू, बीच सड़क पर इस तरह की हरकतें कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? अब गलत समझ रही हूँ। तू तो मेरी बेटी से दूरी रह। मासी प्लीज, वरना तुझे उठा कर मासी पुलिस में डालूंगी। मैं खड़े देख रहे जैसे लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लफंग का कहीं का रावी, तेरी मासी सीन गेट कर रही है। इसके लिए तो मेरा हाथ हो गया, तेरे पे धोती झड़ूंगी, समझा? जल्दी चले यहां से, भाग भाग यहां से, और आज के बाद मेरी बेटी के पास दिखना मत। मासी अपनी सब समझ कर, तुझे तो पिंकी देखेगी, चल। बड़ा एंबैरस किया तूने मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था तू ऐसा करेगी। अब तेरे माँ बाप भी तो देखें कि उनकी लाडली बेटी क्या गुल खिला रही है। चल बैठ। हेलो लक्की जी, मैं जा रही हूँ पिंकी के यहाँ, वहीं आ जाइए आप। अरे रावी बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? थोड़ी अपसेट सी लग रही हो। नितिन ने फिर कुछ कहा क्या? आप नितिन के बारे में कैसे जानती हैं? अरे मैं नहीं जानूंगी, नितिन मेरा बेटा है और ये दोनों साथ ही तो हैं डांस क्लास में। मेरा नितिन इसे डांस सिखाता है। आपका बेटा इसे सिर्फ डांस नहीं सिखाता, बहुत कुछ सिखाता है। मासी प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने बेटे को समझाइए कि मेरी भांजी से दूर रहे। मासी प्लीज। अरे मुझे क्या प्लीज प्लीज किया जा रही है? तुझे तो मैं समझा लूंगी, इनके बेटे को कौन समझाएगा? यही समझाएंगे ना, वरना इन्हें पता भी नहीं चलेगा एक दिन इनका बेटा जेल में मिलेगा। जेल? जेल पर? रुक, लिफ्ट से जाएंगे, रुक। तुझे उसका रोना दिखाई दे रहा है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने अगर ऐसा किया तो क्यों किया? क्यों किया ये जानकर अब क्या फायदा? आपका ना सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका ही अलग है। आपको जो करना था आपने कर लिया ना, चार लोगों के सामने उसको बातें सुना दी, पड़ोसियों से भी कह दिया। अब अगर कुछ नहीं भी होगा ना थी तब भी लोग बातें बनाएंगे। मुझे छली कहती, आपने खुद क्या किया? पिंकी बात तेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है? रावी ने उस लड़के को अपने पास आने दिया है, इसका मतलब उसके दिल में उसके लिए फीलिंग। बस मेरी बेटी के बारे में एक और शब्द नहीं थी। आप अपनी बात साबित करने के लिए और क्या क्या करेंगे? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दी, मेरे घर के मामलों में दखल अंदाजी मत कीजिए। मैं जानती हूँ अपने परिवार को और अपने बच्चों को हैंडल करना, संभाल सकती हूँ उन्हें। अगर संभाल सकती है तो संभाल क्यों नहीं रही है? मैं तुझसे कह रही हूँ कि खुद मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उस लड़के के गले लगी हुई थी, तेरे बात समझ में नहीं आ रही है? अगर तूने देखा होता ना तो मैं यकीन नहीं करती थी, क्योंकि मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुझे उस पर भरोसा है लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं है? तुझे क्या लग रहा है पिंकी, मैं झूठ बोल रही? मुझे नहीं पता। पता नहीं का क्या मतलब होता है पिंकी? या तो मैं झूठ बोल रही हूं या तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। तुझे क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? वहां क्या देख रही, मुझे देखकर बात कर। तुझे क्या लग रहा है कि मैं कहानी बना रही हूं, झूठ बोल रही हूं मैं? शायद, शायद। Sony LIV, we live to entertain. Download the app. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.